वेलकम टू टेक्निकल क्लासेस। आज मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने गियर ट्रेन की। और गियर ट्रेन की बात करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक हैं बहुत, और वो आपको आना जरूरी है। तो मैं आपके सामने पहले बात कर रहा हूँ कुछ बेसिक चीज़ों की। सबसे पहले गियर ट्रेन की बात करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि गियर ट्रेन के अंदर आपके जो कॉम्बिनेशन ऑफ गियर्स होते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ गियर का मतलब कि कुछ स्पीड रिडक्शन करनी होती है, या कभी मुझे एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पे स्पीड को बढ़ाना होता है। तो अगर मुझे कुछ कॉम्बिनेशंस बना के मैं अपने ट्रांसमिशन, मतलब ट्रांसमिशन का मतलब अपनी पावर को ट्रांसमिट कर रहा हूँ एक शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट बाय यूजिंग सम कॉम्बिनेशन ऑफ गियर, तो मैं उसको गियर ट्रेन बोलूंगा। गियर ट्रेन मेरे बहुत सारे टाइप के होते हैं, फोर टाइप के होते हैं। तो उन फोर टाइप में आपके कौन कौन से गियर ट्रेन होते हैं? नंबर वन आपकी सिंपल गियर ट्रेन होती है, सिंपल गियर ट्रेन होती है। नंबर टू कंपाउंड गियर ट्रेन होती है, कंपाउंड गियर ट्रेन होती है। नंबर थ्री रिवर्टेड गियर ट्रेन होती है। और नंबर फोर एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन होती है, इसको हम सन एंड प्लेनेट गियर ट्रेन भी बोलते हैं। तो गाइस, आपको मैं इस पूरे मतलब इसके मैं चार वीडियो अपलोड करूंगा, उसके बाद मैं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन की प्रॉब्लम, जितनी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपकी गेट एग्जामिनेशन में या फिर आपकी ईएससी एग्जामिनेशन में आई हुई है, उनके सॉल्यूशन मतलब सॉल्व करके अपलोड करूंगा। तो ये मेरी पूरी प्लेलिस्ट आपको टेक्निकल क्लासेस पे मिल जाएगी, तो प्लीज आप वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि गियर के कॉम्बिनेशन कुछ किस तरीके से होते हैं। जैसे मैंने अभी बात किया कि मेरी शाफ्ट पैरेलल है, पॉइंट ऑफ व्यू रूटेड, मेरी शाफ्ट कैसे है, पैरेलल है। तो मेरी गियर के कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से है। अगर ये मेरा पहला गियर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कुछ इस तरीके से, तो दूसरा ड्यू टू द एक्सटर्नल मैशिंग, कैसा आपका एक्सटर्नल मैशिंग की वजह से कैसे घूमेगा, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट होगा। और उसके बाद आपको जब भी आप किसी भी गियर में यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो कि कौन सा गियर आपका कैसा है और उसका मैग्नीट्यूड किस तरीके से, जैसे इसके नंबर ऑफ टीथ और इसकी नंबर ऑफ स्पीड और इसके डायमीटर के स्पेसिफिकेशन पे आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि आपका गियर कितना बड़ा है, वो कितनी स्पीड पर घूम रहा है और आपके उसके ऊपर कितने नंबर ऑफ टीथ हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जैसे मैं अगर आपसे बात करूं कि मैं जिस भी गियर को पावर, यानी कि पावर दूंगा, उस गियर को मैं क्या बोलूंगा, आपका ड्राइवर गियर, क्या बोलूंगा, ड्राइवर गियर। और जो दूसरा गियर होगा जहां पे मेरी आउटपुट पावर मिल रही होगी, उसको क्या मैं बोलूंगा, ड्रिवन गियर, क्या बोलूंगा, ड्रिवन गियर। तो ये आपका इसी तरीके से कॉम्बिनेशन चलता रहेगा कि एक मेरा ड्राइवर गियर होगा, एक ड्रिवन गियर होगा, उसके थ्रू मेरी पावर ट्रांसमिटेड हो रही होगी। जैसे आपने मेरी गियर वाली प्लेलिस्ट में जाके पहले ही देख चुके होंगे, तो आपने गियर वाली प्लेलिस्ट में जाके देखा होगा मैंने वहां पे एक लॉ ऑफ गियरिंग कराया है, लॉ ऑफ गियरिंग। उस लॉ ऑफ गियरिंग से मेरा एक कॉम्बिनेशन निकलता है कि N1/N2 इज इक्वल T2/T1 या फिर आपका D2/D1। ये शायद आपको सभी को पता हो कि ये एक वहां से फॉर्मूला आइडेंटिफाई करते हैं अपन, दैट्स अ गियर रेशियो। और जो आपकी स्पीड है N1, अगर मैं इसको बोलूं कि N1, अगर आपका ये जो दिखाया जा रहा है कि N1 की वैल्यू अगर आपकी बड़ी है या छोटी है वो डिसाइड करेगा। अगर इसकी स्पीड ये ज्यादा है, मतलब ये क्या है, इसकी स्पीड ज्यादा है, तो आपको पता होगा कि मैं आपसे एक चीज पूछूं कि ये बड़ा वाला गियर है, एक छोटा वाला गियर है, इसमें से कौन सा ज्यादा तेजी से घूम सकता है। जैसे अगर मैं इसको 100 RPM प्रोवाइड कर रहा हूं, रेवोल्यूशन पर मिनट, तो इसका जो आरपीएम होगा वो इससे ज्यादा होगा कम होगा, क्योंकि इसका साइज छोटा है तो इसके ऊपर टीथ कम होंगे, इसका डायमीटर भी कम होगा, तो इसके साथ इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ये मेरे गियर रेशियो के बराबर है, तो मेरे को यहाँ पे इसको 1 नहीं, इसको 2 मानना पड़ेगा, इसको 1 मानना पड़ेगा, क्योंकि एन जो गियर रेशियो होता है वो आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसलिए N1 की वैल्यू क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी, क्योंकि स्पीड आपकी पिनियन, मतलब कि स्मॉल साइज ऑफ गियर जिसको हम पिनियन बोलते हैं, उसकी स्पीड ज्यादा होती है तो ज्यादा रोटेट करेगा। तो N1/N2, और सेम देखिए T2/T1, तो जो आपका गियर होगा उसके टीथ ज्यादा होंगे, क्योंकि मेरे को ग्रेटर देन रेशियो 1 लेके आना है, तो T2/T1, क्योंकि T2 की वैल्यू ज्यादा होगी और इसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि इसका डायमीटर भी बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आप प्लीज जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दो चीजों को बात करूंगा जो कि बहुत जरूरी है इसके अंदर, स्पीड रेशियो और ट्रेन वैल्यू। तो स्पीड रेशियो क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके, कि अगर जो आपके जो ड्राइवर है
ड्राइवर के नंबर ऑफ टीथ, देखो नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर, सॉरी ड्राइवर नहीं ड्रिवन है ये, नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन गियर। तो नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन गियर कौन सा है आपका, दिस वन, ये आपका नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर ड्रिवन ये है, और नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर, उन दोनों के रेशियो के क्या मैं बोलूंगा आपका स्पीड रेशियो, अभी आगे और बात कर लूंगा। अगर देखिए अभी ड्रिवन गियर के टीथ आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बात कर चुका हूँ पहले ही, ड्रिवन कौन सा है मेरा वन वाला, और ये कौन सा है मेरा ड्राइवर टू वाला। तो ड्रिवन के लिए क्या आएगा यहाँ पे देखिए प्लीज ध्यान से, टी वन ओवर टी टू, तो स्पीड क्या हो जाएगी आपकी एन टू ओवर एन वन, क्या हो जाएगी यहाँ पे मेरी स्पीड एन टू ओवर एन वन। इसके बाद नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइविंग गियर, क्योंकि ट्रेन वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ये इसका रेसिप्रोकल होता है, क्या होता है इसका रेसिप्रोकल होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया स्पीड रेशियो इज द रेसिप्रोकल ऑफ द ट्रेन वैल्यू, तो यहाँ पे जहाँ पे ड्राइवर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ड्रिवन आ जाएगा, जो ड्राइवर की बात आएगी तो यहाँ पे टी टू आ जाएगा, क्योंकि ड्राइवर मेरा ये टू वाले को माना है, और टी वन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एन वन ओवर एन टू। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि स्पीड रेशियो और ट्रेन वैल्यू क्या होती है, ट्रेन वैल्यू में आपकी जो वैल्यू आती है वो किसकी आती है सबसे पहले ध्यान से, कि अगर मैं स्पीड की बात कर रहा हूं तो पहले स्पीड किसकी आएगी ड्राइवर की, और स्पीड और आपकी आप रेशियो में किसकी स्पीड आएगी आपकी ड्रिवन की आएगी, तो ये वाली बात है, तो समझ ले, तो और आपको और समझ में आ जाएगा आप जब वीडियो कंटिन्यू करोगे सिंपल गियर ट्रेन की। तो सिंपल गियर ट्रेन की बात कर लेते फटाफट से, सिंपल गियर ट्रेन के अंदर क्या होता है आपका कि एक शाफ्ट पे मतलब एक ही गियर माउंट होता है, जैसे मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे सिंपल गियर ट्रेन बनाई आपके सामने, ये मैंने एक सिंपल गियर ट्रेन बनाई आपके सामने, ये मैंने प्लस साइन से इसकी शाफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये इसका मैं एक तरीके से बात करूं तो ये मैंने इसके साइड व्यू को दिखाया है, इसके टॉप व्यू से देख लेते हैं प्लीज ध्यान से देखेंगे, इसकी ये शाफ्ट है, मैंने शाफ्ट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया, पहला गियर, दूसरा गियर, क्योंकि शाफ्ट सारी आपकी पैरेलल है, तीसरा गियर, चौथा गियर, तो आप देख लीजिए जितनी भी शाफ्ट मैंने बनाई है सारी आपकी कैसी है पैरेलल है, तो आपका ये कंडीशन है कि जब मेरा सिंपल गियर ट्रेन होगी तो उसके अंदर मेरे जो भी गियर लगे होंगे वो पैरेलल शाफ्ट के लिए होंगे, और एक शाफ्ट के ऊपर एक ही गियर माउंट होगा, तो ये पहला गियर है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, तो मुझे इसके अंदर आपके लिए आइडेंटिफाई करना है कि इसके लिए जो स्पीड रेशियो होगा वो कितना निकल के आएगा। तो स्पीड रेशियो की बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले, कि स्पीड रेशियो मैंने बताया था आपको क्या था, कि स्पीड रेशियो इज इक्वल क्या था आपका, क्या था आपका रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ड्राइवर, क्या था आपका स्पीड ऑफ ड्राइवर टू स्पीड ऑफ ड्रिवन, और क्या था आपका नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन ओवर नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर, देख लें यहां पे, तो क्या होगा आपका अगर मैं बात कर रहा हूं पहले दो गियर मतलब गियर वन और टू के लिए, गियर वन एंड टू के लिए, तो क्या होगा आपका एन वन ओवर एन टू, क्योंकि एन वन को मैं यहाँ पर ड्राइवर कंसीडर करूंगा और एन टू क्या होगा मेरा ड्रिवन होगा, कि अगर मैं एन वन को पावर दे रहा हूं तो एन टू मेरा क्या करेगा रोटेट करेगा, इसके बाद किसके बराबर होगा आपका टी टू ओवर टी वन, दैट्स द क्वेश्चन नंबर वन। इसके बाद गियर टू टू थ्री, तो गियर टू टू थ्री में क्या होगा टू इसका ड्राइवर होगा, थ्री क्या होगा आपका ड्रिवन होगा, तो क्या होगा एन टू ओवर एन थ्री इज इक्वल टी थ्री ओवर टी टू। इसके बाद गियर थ्री और फोर के बीच में एन थ्री ओवर एन फोर दैट द स्पीड रेशियो, ये क्या होगा आपका टी फोर ओवर टी थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री। इसके बाद गियर फोर फाइव एन फोर ओवर एन फाइव, तो ये क्या होगा आपका
T5 ओवर T4। देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 को आप मल्टीप्लाई कीजिए और क्या आएगा आपका देख लीजिए। तो मैंने चारों इक्वेशन का मल्टीप्लाई किया तो क्या है N1 ओवर N2 मल्टीप्लाई N3 ओवर N4 मल्टीप्लाई N4 ओवर N5 इज इक्वल T2 ओवर T1 मल्टीप्लाई T3 ओवर T2 मल्टीप्लाई T4 ओवर T3 मल्टीप्लाई T5 ओवर T4। तो देखिए ध्यान से T2 to N2 कैंसिल आउट, N3 to N3 कैंसिल आउट, N4 to N4 कैंसिल आउट, तो क्या बचा आपका N1 ओवर N5। और यहाँ पे क्या बचा आपका देखिए T2 to T2 कैंसिल आउट, T3 to T3, T4 to T4, तो यहाँ पे क्या बचा आपका T5 ओवर T1। तो ये आपके सिंपल गियर ट्रेन के लिए निकल के आया कि अगर मैं किसी भी सिंपल गियर ट्रेन के लिए आपका स्पीड रेशियो निकाल रहा हूं तो उसके केस में आपके जितने भी इंटरमीडिएट गियर होंगे वो आइडियल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आइडियल? आइडियल का मतलब क्या हो जाएंगे, ये गेट में क्वेश्चन आया एक बार आइडियल वाला कि आइडियल हो जाएंगे तो मतलब कि उनका रोल कुछ नहीं होगा, मतलब कि वो उसके पार्टिसिपेशन में कुछ भी वर्क नहीं करेंगे। तो मैं डायरेक्ट उनका रेशियो कैसे निकाल सकता हूँ कि N1 ओवर N5, जैसे कि आपको दिख रहा है देयर इज अ ड्राइवर गियर और ये क्या है आपका ड्रिवन, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका स्पीड ऑफ ड्राइवर ओवर स्पीड ऑफ ड्रिवन, तो देयर इज अ स्पीड रेशियो। ये क्या निकल गया है मेरा स्पीड रेशियो। तो गाइज आपको पहली वीडियो समझ में आई हो सिंपल गियर ट्रेन की तो और इंट्रोडक्शन ऑफ गियर ट्रेन, तो प्लीज 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 टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर नहीं समझ में आई है, कोई मैंने गलती की है, तो अभी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।